दोस्तों जहां दिल्ली कैपिटल ने आईपीएल 2022 के चार बड़े प्लेयर्स को रिटेन किया तो वहीं कुछ दिग्गज खिलाड़ियों को बाहर कर दिया यानी कि रिलीज कर दिया, जिनमें श्रेयस अय्यर समेत कई दिग्गज खिलाड़ी शामिल है। तो ऐसे में कौन कौन से वो चार प्लेयर हैं जिनको टीम ने रिटेन किया और उनको कितने करोड़ में रिटेन किया, वहीं कौन से वो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जिनको दिल्ली कैपिटल ने रिलीज कर दिया, मैं इस वीडियो में आपको आगे बताने वाला। इसलिए दोस्तों वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो में अंत तक बने रहना। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। वैसे दोस्तों आप मुझे इंस्टाग्राम टेलीग्राम भी फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आइए चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रिटेन प्लेयर की। तो पहले जो प्लेयर रिटेन हुए वो है ऋषभ पंत। जी हाँ, ऋषभ पंत को दिल्ली कैपिटल ने 16 करोड़ में रिटेन कर लिया है। वही दूसरे जो प्लेयर हैं वो है अक्षर पटेल। अक्षर पटेल को 9 करोड़ में दिल्ली कैपिटल ने रिटेन किया। वही तीसरे जो प्लेयर हैं वो है पृथ्वी शाह। जी हाँ, पृथ्वी शाह को भी टीम ने रिटेन किया 7.5 करोड़ में। वही चौथे जो बड़े प्लेयर हैं एनरिच नोरका, ककिसो रबाड़ा की जगह एनरिच नोरका ने ले लिया, 6.5 करोड़ इनको भी दिया गया है रिटेन होने का। तो ये चार बड़े प्लेयर्स हैं जिनको टीम ने रिटेन कर लिया। वही ककिसो रबाड़ा जो काफी बेहतरीन हमेशा से प्रदर्शन करते हुए आए थे, लेकिन अभी इस खिलाड़ी को रिलीज कर दिया गया, इनकी जगह एनरिच नोरका को रिटेन किया। तो वही पृथ्वी शॉ भी रिटेन हो चुके जो कि शिखर धवन की जगह ले चुके। तो कुछ ऐसे प्लेयर हैं जिनको टीम ने रिलीज भी कर दिया, श्रेयस अय्यर, शिखर धवन, ककिसो रबाड़ा, अवेश खान जैसे खिलाड़ी को टीम ने रिलीज कर दिया है। तो दोस्तों आपके हिसाब से आपको क्या लगता था, क्या श्रेयस अय्यर को रिटेन करना चाहिए था या फिर रिलीज करके कोई गलत कर दिया, वो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।